मैं तो अपने बेटे से कहती हूँ कि मत जाओ। हाय गाइस, दिस इज़ हिमांशु एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो अभी मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा टाइम था यहाँ पे 1 घंटे का, तो मुझे लगा कि ये क्यों एन ए वीडियो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है तो ये कर दी जाए। तो कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरी डाली थी जैसा कि आप लोगों को पता है, और आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन है, तो ये वीडियो छोटी सी क्विक वीडियो होने वाली है और वीडियो के एंड में जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे उनको शॉर्ट आउट मिलेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन इज योर फेवरेट फॉर हॉलीडेज? ये पूछा है मानसी अंडरस्कोर ई ट्रैवल फन ने। सो मानसी जी, मेरा जो फेवरेट पहाड़ है वो है अल्मोड़ा, बिकॉज मेरा जो नेटिव प्लेस अल्मोड़ा ही है। बचपन से मैंने वहीं रहा हूँ, वहीं से स्कूलिंग है, सब कुछ वहीं से। तो वहाँ कई जगह ऐसी है जहाँ से बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि कसार देवी टेम्पल है, वहाँ पे कसार है, डोलमा रेस्टोरेंट है, मार्केट है वहाँ, मतलब हम शाम को पूरा वहीं टहलते रहते थे, वहीं भटकते रहते थे। तो वो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, कई सारी चीज़ें ऐसी और भी हैं, कोसी रिवर है, तो वो इन सारी चीज़ों की वजह से वो मेरा फेवरेट प्लेस है। जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो इन सारी जगह दोस्तों को बुला के सारी जगह पक्का विजिट करता हूँ। तो अगर आप भी अल्मोड़े का प्लान कर रहे हैं तो इन सारी जगह में ज़रूर जाएँ, जैसे कि लाला बाजार हो गया, पूरी मार्केट है वो बेसिकली मिलन चौक तक, तो वो आप विजिट कर सकते हैं थाना बाजार से मिलन चौक तक। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वट इज़ मोर फन, मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़ और क्लिकिंग प्लस एडिटिंग पिक्चर्स फॉर इंस्टाग्राम? ये पूछा है द इंडियन ट्रैवल डायरीज शताब्दी जी ने। सो शताब्दी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार दोनों का ना अपना अपना अलग अलग मज़ा है। जब इंस्टाग्राम के लिए फोटो तो मैं ट्रैवल करते रहता हूँ, तो फोटो मैं खींचते रहता हूँ, तो ऐसा कोई ऐसा वो नहीं है कि कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है या कुछ ऐसा। वो मूडी टाइप का हूँ मैं यार, लाइक अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं फोटो खींच लेता हूँ, और कभी मूड लग गया तो इंस्टाग्राम का पोस्ट एडिट करने बैठ गया या इंस्टाग्राम का पोस्ट लिखने बैठ गया तो फिर वो कर देता हूँ। यूट्यूब वीडियो का अपना अलग क्रेज़ है, वो तो एक लंबा प्रोसेस होता है, बिकॉज आपको ही पता है कि एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो दोनों के अलग अलग मज़े हैं। तो यूट्यूब वीडियो में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको मैं थोड़े थोड़े चंक्स में करता हूँ, और इंस्टाग्राम की फोटो कंपैरेटिवली जल्दी एडिट हो जाती है और पोस्ट भी जल्दी दिया जाता, तो मैं उसको एक ही बार में कभी भी मन करता है बैठ के देख लेता हूं, तो मुझे दोनों में ही मजा आता है यार। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हाउ डू यू मैनेज योर ऑफिस वर्क व्हाइल ट्रैवलिंग? अभिषेक जी ने पूछा है। सो अभिषेक भाई, एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। तो बेसिकली मैं ट्रैवलिंग करते वक्त ऑफिस का काम नहीं करता हूँ, तो मैं बेसिकली छुट्टी लेकर ही आता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अच्छे से प्रिपेयर कर लेता हूँ। जब भी छुट्टियाँ लेनी होती हैं तो एचआर को पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं इस मंथ में या फिर इस आने वाले मंथ्स में इतने टाइम पर इतनी छुट्टियाँ लूँगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारा काम जो है, सारे प्लान्स जो हैं, रिलीज प्लान्स वगैरह, पहले ही प्री प्लान्ड हो जाएँ और कोई भी डिपेंडेंसी क्रिएट ना हो। और एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ ना, कैलेंडर सेट कर लेता हूँ। जैसे ही मेरा हॉलीडे कैलेंडर आता है, उसी दिन मैं सारे छुट्टियां देख लेता हूँ कब कब ले सकते हैं। तो उन दिनों से के एक हफ्ता पहले या दो हफ्ता पहले मैं कैलेंडर अपने आप के लिए सेट कर लेता हूँ कि मुझे रिमाइंडर आ जाए कि आने वाले 2 वीक में लॉन्ग वीकेंड आने वाला है या कुछ आने वाला, ताकि मेरे जो डिपेंडेंसी वाले काम हो मैं पहले ही निपटा लूँ और छुट्टी के लिए भी अप्लाई कर दूँ। तो इस तरह से मैं अपनी छुट्टियों को मैनेज कर लेता हूँ। सो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि पूछा है ट्रैवल विद साजिदा जी ने। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स टू गो आउट ड्यूरिंग दीज कोविड टाइम्स? तो इसके ऊपर मैंने कभी गौर नहीं किया। तो हालांकि जब भी मैं कहीं ट्रैवल कर रहा होता तो सारी चीज़ पता कर लेता हूँ कि कहाँ पे क्या सिचुएशन है, लोकल से कांटेक्ट कर लेता हूँ कि भैया कोई केसेस तो नहीं है, कितना टूरिस्ट है, कितनी भीड़ है और कहाँ जाना है, थोड़ा सा अच्छे से प्लान कर लेता हूँ आजकल कोविड के टाइम पे स्पेशली। और घर पे भी पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते रहता हूँ कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और या फिर मैं यहाँ स्टे कर रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन बताते रहता हूँ, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट हाँ, कंसर्न्स तो रहती हैं कि कैसे जा रही हूँ, भीड़ बहुत है, ये है वो है, तो सारे प्रिकॉशंस मैं लेते हुए चलता हूँ, अपना सैनिटाइज़र वगैरह ये सब। और बाकी तो एक बार माँ से पूछ के ज़रूर बताऊँगा कि उनका क्या कहना है इस बारे में। मैं तो अपने बेटे से कहती हूँ कि मत जाओ, अपनी केयर करो, मत जाओ, लेकिन ये तो पहले से बैग है रेडी करके बैठ जाता है और इसको ट्रैवलिंग का ऐसा कीड़ा लगा हुआ है कि ये आगे बढ़ता रहता है और अपनी पूरी सेफ्टी के संग जाता है। इस वजह से फिर मैं थोड़ा सा तसल्ली कर लेती हूँ कि जाओ। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू मैनेज व्लॉग्स, क्लिक्स, एंजॉयमेंट, एवरीथिंग व्हाइल ट्रैवलिंग? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये पूछा है गर्ल अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर एक्सपीडिशन ने। सो मैडम, ये आपने क्वेश्चन तो अच्छा पूछा, बट टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ आपको कि मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं सब चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। इट्स लाइक ऑल अबाउट अ पार्ट ऑफ जर्नी, मतलब मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो व्लॉगिंग भी उसका अपने आप एक पार्ट बन जाता है। वो सेम इन्जॉयमेंट मुझे उसमें मिलता है कि चीज़ें बताने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में, और मुझे अच्छा लगता है चीज़ें बताना कि ये है। फिर पहले चीज़ें लोगों से पूछो, फिर उसको समझो, फिर आप लोगों को बताओ, चाहे वो कैमरे के थ्रू बताओ या फिर आप मेरे साथ कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं उसके थ्रू बताऊँ अगर मैं कहीं पहले गया हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं उसे करता हूँ। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं एक अलग ड्यूटी कर रहा हूँ या ऐसा कुछ सरदर्दी नहीं लगती है, मज़ा आता है करने में, इसलिए मैं करता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं 24 घंटे
जब ट्रैवल कर रहा हूँ, कैमरा खोल के व्लॉगिंग करते रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना पर्सनल टाइम भी अच्छा खासा स्पेंड करता हूँ, जैसे कभी माउंटेन्स में जाता हूँ या कहीं भी सी एरिया कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ पे एक पर्सनल टाइम अपना कैमरा बंद करके अपना स्पेंड करता हूँ। अगर दोस्तों के साथ जा रहा हूँ तो चिल आउट करता हूँ। सो गाइस जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं, जो कि एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सबसे बजट चीपेस्ट बेस्ट कैमरा फॉर पिक्स एंड वीडियो शूट, ये पूछा आर्टिस्ट राहुल म्यूजिक जी ने। तो भाई ऐसा है कि अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप देखो दो चीज़ें, अगर आप प्रोफेशनली इस चीज़ को लेना चाहते हो आगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई अच्छा DSLR ले लीजिए, कोई मिररलेस कैमरा ले लीजिए। और अगर आप सिर्फ शौक के लिए, मजे के लिए कर रहे हैं या फिर ऐसी नॉर्मल रिकॉर्डिंग के लिए कर रहे हैं या सोशल मीडिया में अपलोड करने के लिए कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक अच्छा मोबाइल ले लीजिए, क्योंकि आजकल मोबाइल के कैमरा सेंसर भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो कोई भी एक अच्छा कैमरा फ़ोन आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें फोटोज़ भी अच्छी आ जाती है और वीडियोज़ भी अच्छी बनी आती हैं और पोर्टेबल भी होता है, बैटरी अच्छी होती है, और क्या चाहिए यार। और अगर आप प्रोफेशनली सोच रहे हैं कि व्लॉगिंग भी हो जाए, वीडियो भी चाहिए आपको, तो मैंने जो यूज़ किया था सबसे पहला कैमरा अपना सोनी Alpha 5100, जो कि काफ़ी सस्ता कैमरा है, बजट कैमरा, जिसमें व्लॉगिंग भी अच्छी हो जाती है और मिररलेस है बेस्ट पार्ट, और क्वालिटी भी अच्छी है सोनी की, आपको बताइए। और बट अभी शायद वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, आपको सेकेंड हैंड कहीं से मिल जाए तो और भी सस्ता मिल जाएगा। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट व्हाइल ट्रैवलिंग, ये पूछा है कीर्ति ने। सो कीर्ति मैम काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ट्रैवलिंग में सोलो ट्रैवल एंड ग्रुप ट्रैवल। सो सोलो ट्रैवलिंग जब मैं करता हूँ तो मुझे पसंद है पीसफुल इन्वायरमेंट की, अपने हिसाब से मैं जा पाऊँ, अपना जो प्री प्लान है स्ट्रक्चर्ड फॉलो करूँ, कैसे जाना है अपना आइटनरी फॉलो करूँ, और किसी पर डिपेंडेंसी नहीं होती है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और प्लस पॉइंट ये होता है कि जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे होते हो, काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन करने को मिलता है, क्योंकि आप अकेले होते हो, आपको हर चीज़ पूछनी होती है अगर कहीं आप अननोन प्लेस में जा रहे हो, तो वो भी मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना काफ़ी अच्छा लगता है। और प्लस नई नई चीज़ें समझना और सीखना भी अच्छा लगता है, और अलग तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि आप अकेले होते हो, कभी अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, कभी गंदे भी एक्सपीरियंस होते हैं, वो भी एक अलग तरह से फ़न आता है। और दूसरा ग्रुप ट्रैवल की बात करें, जब हम ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो उसमें अननोन लोगों के साथ ट्रैवल करते हैं, तो अलग अलग परसेप्शन देखने को मिलते हैं और पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं लाइफ के, और कई सारे ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लोग अपने, तो जेन्युइन ट्रैवलर्स भी मिल जाते हैं। बेस्ट पार्ट ये अच्छे दोस्त बन जाते हैं लास्ट में, ट्रिप के लास्ट में अच्छे अच्छे दोस्त भी मिलते हैं। तो ये इस तरह से मुझे दोनों चीज़ें काफ़ी पसंद है, और ये चीज़ें जो हैं मुझे ट्रैवलिंग के दौरान अच्छी लगती हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो छोटा सा पूछा है कि आप नेक्स्ट मीटअप कहाँ पर प्लान कर रहे हो, ये पूछा है इट्स प्रज्वल SONTAKKE भाई साहब ने। सो भाई साहब अभी तो जब तक कोविड चल रहा है, नो मीटअप नो कुछ नहीं, बट नेक्स्ट ट्रैवल मैं कहीं जाऊंगा तो इंस्टाग्राम में स्टोरी डालूंगा, अगर आप वहीं कहीं आसपास हो गए तो हम प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ मास्क एंड सैनिटाइजर के साथ कहीं मिल सकते हैं, बट ऐसा ग्रुप गैदरिंग का कोई सीन नहीं है अभी फ़िलहाल। और या फिर अगर आप लोग जल्दी से 10,000 करवा दो, 10K करवा दो, तो पक्का एक बढ़िया सा मीटअप रखेंगे और आपको ज़रूर इन्वाइट आएगा, ठीक है। सो गाइस द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है, अनूप भाई ने पूछा है कि इतना सब कैसे। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसका बैकग्राउंड ये है कि जब मैंने Q&A वाली स्टोरी डाली थी, उसके बाद एक और स्टोरी डाली थी, बिकॉज मैंने उसी टाइम नया कैमरा लिया था 6400 सोनी Alpha 6400, तो उसमें मैंने डाला था कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, कौन कौन से कैमरे हैं, कहाँ से कहाँ अपग्रेड किया और अभी इसमें अपग्रेड किया। तो अनूप भाई ने उसके पीछे पूछा था कि यार उसमें ड्रोन भी था बेसिकली, तो उसमें पूछा इतना सब कैसे। तो अनूप भाई ऐसा है कि मुझे एक तो गैजेट कलेक्ट करने का शौक है, मुझे गैजेट्स अच्छे लगते हैं, तो फोटोग्राफी के अलावा भी या वीडियोग्राफी के अलावा भी मैं और भी सारे गैजेट कलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि Alexa है, स्मार्ट बल्ब, और ये सारा सेटअप मैंने घर पे किया हुआ था जब मैं गुड़गांव था, अब तो खैर फिलहाल यहाँ आ गया है, और भी काफ़ी सारे गैजेट्स मैंने रखे हुए हैं, तो ये भी मैंने ऐसे लिए हैं यार भाई, शौक है, पैशन है, अच्छा लगता है, तो आप लोगों को अच्छी क्वालिटी देंगे तो आप लोग ज़्यादा प्यार देंगे ऐसा लगता है मुझे, तो इसलिए भी मैंने अपग्रेड किया। और बाकी तो आप लोग जितना वीडियो शेयर करेंगे और जितना प्यार देंगे उसी हिसाब से हमारी भी कमाई होगी और ऐसी चीज़ें आते रहेंगी, तो इसी हिसाब से अपना प्यार बनाए रहे। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें, और अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना यार, नहीं लगी तो वो भी बता देना, आगे से क्यों वीडियो नहीं बनेगी। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।